हेलो एवरी वन वेलकम टू मैट कैम क्लासेस एंड टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन दैट वॉज आस्ट इन सी एस आई आर नेट सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जाम तो सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जो सी एस आई आर नेट का एग्जाम हुआ था सी एस आई आर नेट का जो एग्जाम हुआ था एक्चुअली ये एग्जाम का जो ऑफिशियल नेम था वो क्या था जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू के इस क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार इसका आंसर क्या था और ये क्वेश्चंस आपके गेट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो गेट केमिस्ट्री 2023 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें स्टैट थर्मो का ये क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और स्टैटिस्टिकल थर्मो से क्वेश्चन गेट हर बार पूछता है

इससे पहले गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल स्टेटिस्टिकल के देखने को मिल जाएंगे तो चलिए समझते हैं आखिरकार ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपके गेट केमिस्ट्री ट्वेंटी या फिर ट्वेंटी में आएंगे तो उन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं हम लोग माइक माइक्रो स्टडी करते हैं माइक्रो लेवल पर ठीक है माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं कहां पर स्टडी करते हैं माइक्रो लेवल पर और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की हेल्प से माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को पता करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को फाइंड कर सकते हैं तो इसका एक स्पेशल ब्रांच होता है आपकी स्टेटिस्टिकल थर्मोडानेमिक्स का स्टेट थर्मो का एक स्पेशल ब्रांच होती है जो क्या करती है किसी भी सिस्टम के किसी भी सिस्टम को क्या करती है सिस्टम को स्टडी करती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उस सिस्टम से रिलेटेड उसका एक पार्टीशन फंक्शन फाइंड करती है क्या करती है उसका पार्टीशन फंक्शन फाइंड करती है और पार्टीशन फंक्शन को फाइंड करने के बाद हम उस सिस्टम के डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोडाइनमिक फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं ठीक है पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोडाइमिक फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं जैसे कि इंटरनल एनर्जी जैसे कि आपकी मान लीजिए प्रेशर हो गया उस सिस्टम का अगर वो गैसियस सिस्टम है तो जैसे कि उस सिस्टम का वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं जैसे कि उस सिस्टम की हम लोग एंट्रोपी निकाल सकते हैं इन फंक्शंस को हम लोग क्लासिकल थर्मोडाइनेमिक्स में फाइंड नहीं कर सकते हैं लेकिन स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनेमिक्स में इनकी हम लोग यहां पर वैल्यूज निकाल सकते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है ठीक है तो आज हमें यही समझना है आज हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ वीडियो आएगी पार्टीशन फंक्शन को फाइंड कैसे करते हैं डिफरेंट काइंड क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन में आपको एक सिस्टम दिया हुआ होता है और सिस्टम का आपको पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना होता है तो आज हम लोग अगर किसी क्वेश्चन में पार्टीशन फंक्शन दिया हुआ हो तो पार्टीशन फंक्शन दिया होने के बाद उस सिस्टम के डिफरेंट थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स को हम कैसे निकाल सकते हैं यह हमें आज इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है ठीक है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या होगा आपका पार्टीशन फंक्शन दिया होगा ठीक है आपका पार्टीशन फंक्शन पार्टीशन फंक्शन दिया होगा और पार्टीशन फंक्शन मैक्सिमम केस में आपको जो मिलेगा वो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ही मिलेगा कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ही मिलेगा क्योंकि इसकी हेल्प से ही अधिकतर जो थर्मोडायनोमिक फंक्शन होते हैं उनको निकाला जाता है तो पार्टीशन फंक्शन होगा आपका ठीक है और ये पार्टीशन दो फॉर्म में टर्म में तो दोनों एक ही बात है आपको यहां पर बेसिकली क्या है बीटा टू दोनों ही केस में जब इस फॉर्म में हो तो बहुत अच्छी बात है अगर इस फॉर्म में आपको मिले तो वहां पर आप बीटा की जगह बोर्ड्समैन कॉन्स्टेंट है ये के तो अगर आपके पास पार्टीशन फंक्शन आपको दिया हुआ है तो इसके बाद अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी हो इंटरनल इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी हो अपने क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी आपको फाइंड करनी हो तो इंटरनल एनर्जी ई का या फिर एवरेज इंटरनल एनर्जी भी जिसे बोल देते हैं ई का या फिर जिसे आप यू बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के बी टी स्क्वायर बोल्टेंट इन टू टेम्परेचर का स्क्वायर डेल एल एन क्यू एल एन क्यू अपॉन डेल टी विथ रेस्पेक्ट टू आपका नंबर ऑफ जो एटम्स हैं नंबर ऑफ कितने पार्टिकल्स हैं सिस्टम वो और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इस कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट तो इनको कांस्टेंट मानते हुए आपको अपने पार्टीशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ठीक है ये कैसे करते हैं अभी हम लोग पता करेंगे इंटरनल एनर्जी के साथ ही साथ आप सिस्टम का जो प्रेशर है वो भी फाइंड कर सकते हैं प्रेशर का ठीक है अपने सिस्टम का प्रेशर भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास क्या हो मतलब गैसियस सिस्टम हो गैसियस पार्टिकल दिए गए हो तो तो उसका फॉर्मूला जो होता है पी का वो होता है बेसिकली केबी टी के बी टी डेल एल एन क्यू अपॉन डेल वी डेल एल एन क्यू अपॉन डेल वी एन और यहां पर बीटा कॉन्स्टेंट माना जाता है ठीक है तो यहां पर बीटा एक्चुअली रहता है और बीटा को हम लोग इस तरीके से चेंज करते हैं तो जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में वो होता है इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड तो ये तो हम लोग इस फॉर्मूले को लगाकर डायरेक्टली निकाल सकते हैं ठीक लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि डिफ्रेंसिएशन आपको सही से आता है नहीं आता है इसकी आपको मतलब एक क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी ठीक है अब इसके बाद यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है जो कि कम पूछा जाता है लेकिन बन सकता है वो होता है एवरेज एंट्रोपी एवरेज एवरेज एंट्रोपी आप एंट्रॉपी भी निकाल सकते हैं किसी सिस्टम की अगर आप स्टेटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स की हेल्प लेंगे तो तो एवरेज एंट्रॉपी एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के बी एल एन क्यू के बी एल एन क्यू प्लस यहां से आपको जो ई e की वैल्यू आपने ऊपर फॉर्मूला से निकाली ना उसको आप टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए इस ई e को और प्लस यहां पर कुछ कॉन्स्टेंट होता है ठीक है इस कांस्टेंट की वैल्यू से मतलब नहीं होता है इसीलिए एवरेज इंट्रॉपी आपसे कम पूछी जाती है आपसे जो पूछा जाता है वो होता है चेंज इन एंट्रॉपी क्या होता है चेंज इन एंट्रॉपी तो चेंज इन एंट्रॉपी निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो आप समझ गए होंगे डेल्टा एस इज टू क्या आएगा के बी एल एन क्यू के बी एल एन क्यू प्लस ई वाई टी ठीक है प्लस ई वाई टी मतलब भाई ई टू माइनस ई वन करोगे तो कांस्टेंट कट जाएगा और यहां पर इनकी वैल्यू इस तरीके से आ जाएंगी तो आपसे चेंज इन एन कभी भी पूछेगा तो आपको क्या करना है आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि आपको पहले ई e की वैल्यू निकालनी है आपको क्या करना है आपको पहले पार्टीशन फंक्शन को एल उसका मतलब नेचुरल लॉगर नॉ लॉग लेना है उसके बाद फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करके के स्क्वायर से उसमें मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद आपको के बी एल साथ में एड कर देना है तो चेंज इन एन आपको मिल जाएगी अब इसके बाद बात आती है कि मान लो इंटरनल एनर्जी की जगह अगर आपसे इंथेल्पी पूछ ली जाए इंटरनल एनर्जी की जगह क्या पूछ ले आपसे इंथेल्पी पूछ ले तो इंथेल्पी कैसे निकाल सकते हैं तो इंथेल्पी वैसे कम पूछता है लेकिन फिर भी इंथेल्पी की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंथेल्पी के लिए आपको बस सिंपल मैथ लगानी है एच इज इक्वल टू क्या होता है यू माइनस पी भी होता है ठीक है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू आपका ऐसे हो गया अगर मैं इसको ऐसे लिख दू एच टर्म में यहां पर यू माइनस यहां पर पी की वैल्यू क्या होती है एस ए और वी तो यहां पर क्या करिए यू की आप जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो रख रख दीजिए यहां पर क्या आएगा के बी टी स्क्वायर डेल एल एन क्यू अपॉन डेल टी यहां पर क्या होगा एन और वी आपका कांस्टेंट है एन और वी आपका कांस्टेंट है माइनस पी की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है पी की वैल्यू है के बी एल एन क्यूल डेल क्यू अपॉन डेल वी तो यहां पर आएगा माइनस के बी टी माइनस के बी टी यही है ना के बी टी देखो ऊपर के बी टी है ना के बी टी डेल एल एन क्यू अपॉन डेल वी डेल एल एन क्यू अपॉन डेल वी और यहां पर एन बीटा कॉन्स्टेंट है ठीक है और यहां पर साथ में क्या है यहां पर दिया हुआ है यहां पर साथ में केबी टी हो गया और यहां पर वी अपने पास था तो वी का हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे इन टू यहां पर वी आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं यू की वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एच की वैल्यू निकाल सकते हैं यू की वैल्यू निकाल सकते हैं पी की वैल्यू निकाल सकते हैं और अगर आपको वर्क फंक्शन निकालना हो क्या निकालना हो वर्क फंक्शन तो इज इक्वल टू होता है U Ts. यहां पर अगर आप किसकी वैल्यू रखेंगे यू की वैल्यू रखेंगे सॉरी यहां पर एस की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा देखो एस की वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ी है एस उसकी वैल्यू पढ़ी है के बी एल एन क्यू वाई टी ठीक है तो यहां पर u माइनस टी यहां पर क्या होगा के बी एल एन क्यू प्लस ई बाई टी ई बाई टी ये किसकी वैल्यू हो गई s की वैल्यू हो गई ये मतलब चेंज ही निकालने हम लोग डेल्टा ही निकालने हैं तो यहां पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u की वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ी है के बी टी स्क्वायर या फिर u की वैल्यू हमें निकालनी नहीं पड़ेगी ये u जो है ना ये e से कट जाएगा ये u और ये एक्चुअली सेम ही होता है ध्यान रखना यू सेम ही होता है तो यहां पर इसको ई ही लिख दे रहा हूं मैं भी यहां पर इसको ई ही कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहां पर ई माइनस ई माइनस ऐसे तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस के बी टी एल एन क्यू प्लस यहां पर माइनस से माइनस हो जाएगा तो यहां पर एक मिनट ऐसे करके यहां पर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हाँ माइनस यहाँ पे इस तरीके से ये ई e आ जाएगा तो ई e से सही कैंसिल हो गया तो ए इज इक्वल टू तो फाइनल फॉर्मूले एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं ए इज इक्वल टू क्या आया माइनस के बी एल एन क्यू ठीक है ए इज इक्वल टू क्या आया माइनस के बी एल एन क्यू एच इज इक्वल टू क्या आया एच इज इक्वल टू आया के बी टी स्क्वायर डेल एल एन क्यू अपॉन डेल टी एन और वी कांस्टेंट माइनस के बी टी वी डेल एल एन क्यू अपॉन डेल वी और यहां पर एन बीटा कांस्टेंट ये दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आया वैसे इससे क्वेश्चन कम आएंगे क्योंकि बड़ा है तुम्हें तो देख के ही समझ में आ रहा होगा इसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि इंथेल्पी क्या होती है यही फॉर्मूला आपको वहाँ लिखा हुआ ऑप्शन में सेलेक्ट करना होगा तीसरा आपके सामने जो फॉर्मूला है वो क्या है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो गया ये हो जाएगा के बी एल एन क्यू के बी एल एन क्यू प्लस ई वाई टी प्लस ई वाई टी तो चौथा फॉर्मूला ये हो गया इसके बाद जो पांचवा फॉर्मूला है वो क्या हो गया ईज इक्वल टू ईजल टू के बी टी स्क्वायर डेल एल एन क्यू अपॉन डेल टी और यहां पर आ गया एन इन टू वी तो ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनसे आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टूडेंट ही करेंगे तो मेक श्योर sure कि आप उनमें हो और यही क्वेश्चन होंगे जो आपके रैंक डिसाइडिंग होंगे ठीक है गेट केमिस्ट्री में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करके आप अपनी रैंक को डिसाइड कर सकते हो तो इससे रिलेटेड जो अपना क्वेश्चन आया हुआ है चलिए उस क्वेश्चन को कर लेते हैं अपने पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये क्यू की वैल्यू कुछ ये दी हुई है ठीक है क्यू की वैल्यू चलिए हम लोग लिख लेते हैं फटाक से एक मिनट मैं यहाँ क्या करता हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे उठा के ऐसे ठीक है इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर एक को जल्दी से लिख लें यहाँ पर क्यू इजक्वल टू हम लोग के पास क्या आया जो यहीं से डायरेक्टली मैं ऊपर की तरफ करता हुआ चल रहा हूं ठीक है उल्टा कर देता हूं तो पहले हम लोगों को क्या करना है एल एन क्यू लेना है तो एल एन क्यू लेना है और हम लोगों को जो डिफरेंसिएशन करना है वो करना है डी एल एन क्यू अपॉन डेल्टी मतलब कि टेम्परेचर वाले टर्म्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंसिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे एल एन क्यू को ऐसे लिखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर वाले टर्म एक साथ रहें तो पहले तो क्यू इजक्ल टू मैं T के टेम्परेचर में T के रेस्पेक्ट में आपको लिख देता हूँ ठीक है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ Q इज इक्वल टू क्या आया Q इज इक्वल टू आया यहाँ पर वन अपॉन एन फैक्टोरियल वन अपॉन एन फैक्टोरियल टू पाई एम अब यहाँ पर बीटा इजक्ल टू क्या पुट कर रहा हूँ मैं वन अपॉन के बी टी वन अपॉन के बी टी तो वन अपॉन के बी टी रखूंगा तो यहाँ पर के बी टी ऊपर की तरफ आ जाएगा तो यहाँ आएगा के बी और यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर एच स्क्वायर और यहाँ पर इस पूरे के टर्म की पावर में थ्री एन बाई टू कर दे रहा हूँ ठीक है और टेम्परेचर को अलग लिख ले रहा हूँ टी की पावर थ्री एन बाई टू ठीक है कोई प्रॉब्लम यहाँ पर वी माइनस एन बी लिख दे रहा हूँ ठीक है इसकी पावर एन है यहाँ पर और ई e की पावर लिख दे रहा हूँ बीटा बीटा की जगह वन अपॉन के बी टी लिख दे रहा हूँ फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा ई e की पावर ई e की पावर ए एन स्क्वायर अपॉन वी के बी बताइए इसमें कोई आपको दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है आपको इसके बाद इसका आपको क्या कर देना है नेचुरल लॉग ले लेना है तो नेचुरल लॉग लेंगे एल एन क्यू लेंगे तो एल एन क्यूज टू एल एन वन अपॉन एन फैक्टोरियल को मैं अलग कर दे रहा हूं प्लस एल एन एल एन एम इन टू एन इज्कल टू एल एम एन प्लस एल एम एन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं यहां पर लगा दे रहा हूं अलग अलग कर देंगे प्लस एल एन क्या हो जाएगा ये भी पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि अगले डिफ्रेंसिएशन में जीरो हो जाएगा एम एच स्क्वायर की पावर थ्री एन बाई टू ठीक है प्लस इसका जब डिफरेंसिएशन करेंगे इसका डिफरेंसिएशन करेंगे तो एम की पावर एन में पावर आगे जाती है तो थ्री एन बाई टू एल एन टी हो जाएगा प्लस एल एन वी माइनस एन बी की पावर एन हो जाएगा ठीक है प्लस क्योंकि कांस्टेंट है इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं प्लस एल एन ई लेंगे नेचुरल लॉग का तो ई e, e सब कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा मतलब पावर आगे आ जाएगी और एल एन ई की वैल्यू वन हो जाएगी इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए एन स्क्वायर अपॉन के बी टी इंटू वी अब इसका हम लोग करने वाले हैं डिफ्रेंसीन एल एन क्यू अपॉन डेल एल एन टी और यहाँ पर एन वी कॉन्स्टेंट है बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट जो हैं वो तो हैं ही कॉन्स्टेंट तो यहाँ पर पहला टर्म तो गया ये ध्यान से देखना यहां पर ये तो गया जीरो हो गया ये भी कॉन्स्टेंट था जीरो हो गया डिफ्रेंसिएशन में यहां पर ये जो कॉन्स्टेंट है ये आगे आ जाएगा ये आ जाएगा थ्री एन बाई टू और एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ठीक है तो ये वन बाई टी हो जाएगा तो इन टू वन बाई टी ठीक है प्लस यहां पर ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा कॉन्स्टेंट है इसमें वन अपॉन टी का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर ठीक है वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है इसलिए यहां पर ए एन स्क्वायर अपॉन के बी इन टू वी ये तो ठीक है बाकी वन अपॉन टी की जगह हम लिखेंगे स्क्वायर ठीक है तो इसके बाद आपको क्या करना है आपको निकालना है क्या ई e. तो ईजल e टू क्या होता है के बी टी स्क्वायर के बी टी स्क्वायर डेल एल एन क्यू अपॉन डेल्टी डेल एल एन क्यू अपॉन डेल्टी तो यहां पर इसकी वैल्यू रखनी है मतलब के बी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो के बीच स्क्वायर इंटू थ्री एन वाई टू टी ठीक है प्लस यहां पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा ये माइनस वाला टर्म है ना ये वाला तो ये यह यहां पे आ जाएगा माइनस के बी टी स्क्वायर ए एन स्क्वायर अपॉन के बी टी स्क्वायर इंटू वी तो केबी टी स्क्वायर के बी टी स्क्वायर अब आप समझ गए होंगे यहां पर क्या क्या कैंसिल होने वाला केबी टी स्क्वायर से के बी टी स्क्वायर कैंसिल टी से ये टी कैंसिल तो यहां पर क्या आया यहां पर आया इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू के बी एन आगे लिख देता हूं एन के बी या फिर पूरा सही से लिख देते हैं थ्री बाई टू आगे लिख देते हैं थ्री बाई टू थ्री बाई टू हो गया इसके बाद एन के बी टी एन के बी टी माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी तो यहां से आपने क्या कर लिया इंटरनल एनर्जी निकाल दी इंटरनल एनर्जी निकाल दी तो ये क्वेश्चन आपका जस्ट जो जून 2022 का एग्जाम हुआ था जून 2022 का उस एग्जाम में पूछा गया था तो इंटरनल एनर्जी आपसे पूछता है बहुत बार पूछता है तो पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हैं वो आपको नहीं भी आता है तो कई बार आपसे ऐसे डायरेक्टली पार्टीशन फंक्शन दे देता है आपको क्वेश्चन में इस तरीके से ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया इसमें हमको इंटरनल एनर्जी ही पूछी थी क्या पूछी थी इंटरनल एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी ही पूछी गई थी और इंटरनल एनर्जी का जो आंसर आएगा थ्री बाई टू एन के बी टी माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी यहां पर सी आपका आंसर था दिस वॉज द आंसर तो ऐसे गेट में बहुत संभावनाएं हैं क्वेश्चन की तो दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन This द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग गेट gate 2023 and एंड गेट exam. एग्जाम और इसी तरीके से बाकी जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं इन फॉर्मूले को भी आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा पार्टीशन फंक्शन के बाद इंटरनल एनर्जी इसके बाद कहाँ गया कहाँ लिखाया था मैंने हाँ ये लिखा हुआ है एवरेज एंड कैसे निकालेंगे चेंज इन एंड कैसे निकालेंगे और इसका फॉर्मूला मैंने यहां कर दिया है हाँ तो ये जो चार फॉर्मूले हैं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट मेक द नोट्स वॉच द वीडियो अगेन और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए ताकि हम ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज आप सभी के सामने लेकर आते रहें थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो